नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग हेल्प चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, काफ़ी दिन से फतेहाबाद जो पशु मंडी है वो भी बंद थी कोरोना काल में, और हमारे चैनल की शुरुआत में भी इस मंडी की वीडियो जो कवर की गई थी। आप ये जो सीन देख रहे हैं, ये फतेहाबाद पशु मंडी का सीन है। फतेहाबाद जो पशु मंडी है वो फतेहाबाद पर रतिया रोड के ऊपर रंगोई नाले के पास पेट्रोल पंप के सामने लगती है। पिछले जो संडे को ये मंडी लगी थी तो बहुत ही कम भैंसें आई हुई थी, और आज भी पहले के अपेक्षा बहुत कम भैंसें आई हुई हैं। लेकिन अब मंडी लगने लगी है, हर संडे को मंडी लगती है। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको फतेहाबाद मंडी का एक पशु मंडी का एक व्यू आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ये इस साइड आप देख सकते हैं, इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पशु मंडी में किस प्रकार के पशु जो देखने को मिलते हैं या किस प्रकार के पशु आप खरीद सकते हैं। भैंसों की ये मंडी है, स्पेशल भैंस यहाँ पर आती हैं। ये देखिए, भूरी भैंस भी आई हुई है। हालांकि काफ़ी कम है संख्या पहले की अपेक्षा भैंसों की, और इस साइड से भी आप ये व्यू देख सकते हैं। ये इस साइड भी आप व्यू देख सकते हैं मंडी का एक। और ये आप सामने एक भैंस देख सकते हैं, ये भाई, नमस्कार भाई, रामचंद्र शेखर, रामचंद्र शेखर, शेखर चंद गांव है ये आपका, गांव शेखर, गांव नाम नाम शेखर, हाँ, विलेज सोना, अच्छा जी, जिला गुड़गांव। ये भाई गुड़गांव से आप भैंस लेने आए हैं यहाँ पे, कितने के लिए ये भैंस आपने? एक पाँच की है भाई, बता रहे हैं 1,05,000 की भैंस। नीचे कटिया या कट्टा है? नीचे कटड़ा है, ये आप देख सकते हैं। एक बार पिछली साइड से भी इसका जो व्यू है, जो अंचल है वो आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, क्वालिटी काफ़ी ठीक है, बहुत अच्छी है। और एक बार फिर आपको, भाई कितने दिनों बाद लगी है मंडी? भाई पता ना, हम तो अभी की बार आए, पहली बार। अबकी बार आए, कैसा रहा आपका अनुभव? ठीक है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा तेज है, तेज है, थोड़ा महंगी है मतलब? हाँ। ये भाई बता रहे हैं कुछ बाजार तेज है, महंगी मिली है कुछ, बाकी आप अंदाजा लगा लीजिए। और ये मंडी का एक बार आपको व्यू इस साइड से भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, काफ़ी भारी संख्या में वैसे यहाँ पर भैंसें आती हैं, अब भी काफ़ी हैं, लेकिन पहले जो मंडियाँ लगती थी उनके मुकाबले काफ़ी कम है। मने लगा लियो। इस साइड भी आप देखते हैं, कुछ भैंसें यहाँ पर भी खड़ी हैं। एक ये आप यहाँ पर देख सकते हैं भूरी। इस वीडियो के माध्यम से आपको वैसे ये दिखाने के लिए वीडियो है कि ये मंडी शुरू हो चुकी है। कुछ भाई शुरू में इसके बारे में पूछते रहते थे कि वो मंडी बंद है या खुल चुकी है, तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो ये दिखाया जाएगा आपको। और इसमें एक व्यू आप देखेंगे थोड़ा सा मंडी का। ये इस साइड भी आप देख सकते हैं,
काफी संख्या में पशु यहाँ पे हैं। और ये आगे की तरफ भी आप देख सकते हैं, ये इस साइड भी आप देख सकते हैं, काफी बड़े सिंगों वाली भी। ये आप देखते हैं किसान भाई यहाँ पर अपनी अपनी भैंसें लेकर आते बेचने के लिए, और ज़्यादातर व्यापारी वर्ग भी यहाँ पर पहुँचता है, ज़्यादा तो व्यापारी वर्ग ही होता है। इस साइड से भी आपको एक व्यू ज़रूर दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये आप देख सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते कि किस क्वालिटी के एनिमल्स यहाँ पर आए हुए हैं। छोड़ देंगे बच्चा। और ये देख सकते हैं क्योंकि मंडियों में जो पशु आता है या जो भी, या ट्रैक्टर मंडी आप लगा लीजिए, तो वहाँ पर हर प्रकार की वस्तु या हर प्रकार का पशु आपको देखने को मिलेगा, चीप से लेकर हाई क्वालिटी तक मिलेगी यहाँ पर। मेरा कहने का मतलब है कि सस्ती भैंसों से लेकर महंगी भैंस भी यहाँ पर, भैंसें भी यहाँ पर मिलेंगी। और ये इस साइड भी आप बफैलो की एक क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दिखाई दे रही है। एवरी संडे को ये मंडी लगती है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। इस वीडियो में सिर्फ आपको एक व्यू ही दिखाया जाएगा। ये इस साइड भी आप कुछ पशु देख सकते हैं, और ये यहाँ पर भूरी भैंस बंधी हुई है, ये आप देख लीजिए। इस साइड आप देख सकते हैं, कुछ साल पहले मतलब 1 से 1.5 साल पहले ये मंडी यहाँ पर नहीं लगती थी। फतेहाबाद का जो मेन रोड है उसके ऊपर ये मंडी लगती थी, लेकिन शहर से बाहर, मंडी का एक उद्देश्य होता है कि शहर से बाहर रखा जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, तो इस कारण ये यहाँ पर शिफ्ट की गई पिछले 1.5 साल से, रतिया रोड के ऊपर रंगोई नाले के पास पेट्रोल पंप के सामने, इसका एड्रेस है ये। और ये इस साइड जो सिस्टम ये तैयार किया गया है, ये सिस्टम यहाँ पर पर्ची बनवाने के लिए, यहाँ पर अपने पशु की पर्ची कटवाने के लिए ये सिस्टम तैयार किया गया है। और ये साइड भी आप व्यू देख सकते हैं, काफी संख्या में किसान भाई और पशु यहाँ पर आए हुए हैं। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पशुओं की सजावट का सामान, की भी स्टाल यहाँ पर लगाई गई है। और ये भूरी भैंस भी आप एक सामने देख सकते हैं। इस साइड आप देखते हैं ये मैट, पशुओं के जो मैट होते हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। और ये जो खोर, इसको लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है खोर या ठाण, इसको आप बोल सकते हैं। अपने जी कितनी कीमत की है मैट की? 1200। कौन से वाले की? जिंदल वाले की 1200। और दूसरा? 1500। इसके 1500। कौन सी क्वालिटी कंपनी का? जिंदल। ये भी जिंदल का? MRF का 1500 का, और जिंदल का 1200 का। और ये जो ठाण है, ठाण 450। ये 450। और ये बड़े वाला 550। ये पशुओं को जो
कच्चे में जो पशु बंधते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठाण या खुरली इसको आप बोल सकते हैं। शिफ्ट टेबल होते हैं ये, एक स्थान से कहीं भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। और इस साइड जो आप व्हीकल देख रहे हैं ये अपलोड करने के लिए सिस्टम बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।